नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम मिश्र, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, बिहार में कंप्यूटर टीचर के पदों पर जो है आप लोगों का आवेदन लिया जा रहा था और यहाँ पे आप लोगों का 1900 से ज्यादा यहाँ पे पद रखा गया था। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें आवेदन करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि सर यहाँ पे कंप्यूटर टीचर का बहाली आया हुआ है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें आप लोग का यहाँ पे बहाली होने वाला है। तो इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए कि क्या ये बहाली सही है या फिर गलत है, हमें इसमें आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग का क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो आप लोग का बहुत ही कम क्वालिफिकेशन था, यानी कि यहाँ पे अगर आप इंटर पास हैं और आपके पास ADCS सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे जो है कंप्यूटर टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो क्या ये बहाली सही है या फिर गलत है, आपको इसमें आवेदन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो आपका ये आवेदन सही है या फिर गलत है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिए। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि सर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें हमारा कंप्यूटर टीचर का बहाली आया हुआ है और इसमें जो है आवेदन शुरू कर दिया गया है, लगभग 1900 कुछ यहाँ पे पद रखा गया है, यानी कि 1900 से ज्यादा पद रखा गया है। तो आप जो है इस बहाली के बारे में बताइए कि क्या ये बहाली और किस तरीके से बहाली लिया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का जो बहाली लिया जा रहा था उसके लिए आप लोग का जो पर्ची है वो यहाँ पे जो है जारी किया गया था, उसके लिए कोई भी आप लोग का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा था। कोई भी आप लोग का जो सरकारी वेबसाइट है उस पे आप लोग का इस बहाली के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन लोग मुझे जो यहाँ पे नोटिस सेंड कर रहे थे वो जो पर्ची था उसको यहाँ पे सेंड कर रहे थे कि सर जो है इस प्रकार से आप लोग का बहाली आया हुआ है। तो मैं दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दूं कि अभी जो है सरकार की तरफ से आप लोग का ऑफिशियल जानकारी दिया गया है कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी आप लोग का कंप्यूटर टीचर का बहाली नहीं निकाला गया है। अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है कि कंप्यूटर टीचर के पदों पर आप लोग का बहाली निकाला गया है, कंप्यूटर टीचर का आवेदन हो रहा है, तो वो आप लोग को यहाँ पे गलत जानकारी दे रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का साफ साफ जानकारी दिया गया कि ये जो आप लोग का 1900 कुछ पदों पे बहाली निकाला गया था ये आप लोग का ऑफिशियल बहाली नहीं था, बहुत सारे ठग गिरोह हैं जो कि यहाँ पे ये बहाली निकाले थे और ये आप लोग का पर्ची यहाँ पे बंटवाया था। और भी बहुत सारे जगहों पे जो है इसके बारे में विज्ञापन चल रहा था, बहुत सारा वीडियो भी यहाँ पे यूट्यूब पे बना हुआ है कि आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो बहाली है वो पूरी तरीके से फर्जी बहाली है। ये मैं आप लोग को अपने मन से यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए सरकार की तरफ से आप लोग का ऑफिशियल जो है सभी जो आप लोग का पेपर है उसमें जानकारी दिया गया कि जो शिक्षक का पद यहाँ पे निकाला गया था कंप्यूटर टीचर का पद वो जो है पूरी तरीके से फर्जी था। और इसमें आप लोग का 13000 कुछ यहाँ पे सैलरी भी बताया गया था कि 13000 रुपए आप लोग को सैलरी मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन किए तो ये जो है आप लोग का बहाली पूरी तरीके से गलत है और ये आप लोग का एक ठगी है, यानी कि यहाँ पे जो लोग है वो ठगी कर रहे हैं और ये आप लोग का कंप्यूटर टीचर का बहाली नहीं आया हुआ है। और ऐसा कुछ भी अभी जो है जानकारी नहीं है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कि आप लोग का कंप्यूटर टीचर के पदों पर बहाली आने वाला है, और अगर बहाली आता भी है तो इतना आप लोग का लो क्वालिफिकेशन नहीं होगा कि अगर आप सिर्फ इंटर पास हैं और यहाँ पे ADCS सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे जो आवेदन कर पाइएगा। कम से कम हो सकता है कि आप लोग का ग्रेजुएशन मांगा जाएगा और उसके बाद आप लोग का कंप्यूटर में कोई कोर्स यहाँ पे मांगा जाएगा, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है इसी से आप लोग को पता लग जाता है कि ये जो बहाली है वो पूरी तरीके से फर्जी है, लेकिन फिर भी छात्र यहाँ पे जो फंस जाते हैं और बहुत सारे छात्रों ने जो है इसमें आवेदन कर दिया है। इसलिए सरकार ने आप लोग को यहाँ पे सूचना दिया है कि ये जो बहाली है वो पूरी तरीके से फर्जी है, आपको इसमें आवेदन नहीं करना चाहिए और ये जो है सिर्फ ठगी करने का काम किया जा रहा है, ये कोई आप लोग का बहाली नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जो है सावधान हो जाइए, जो बहाली आप लोग को लगता है कि सही है उसी में आप लोग आवेदन कीजिए और सरकार का ऑफिशियल नोटिस देखने के बाद ही आप लोग जो है इसमें आवेदन कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो भी आप लोग को बनाकर जानकारी देते हैं कि आप जो इसमें आवेदन कर दीजिए ये बहाली सही है, लेकिन वो यहाँ पे जांचते नहीं है कि ये बहाली सही है या फिर गलत है और उनको खुद पता नहीं होता है कि ये बहाली सही है या फिर गलत है और आप लोग को वीडियो बनाकर जानकारी देते हैं। तो आप जो है उन लोगों से भी सावधान रहिए जो आप लोग को जो है फर्जी बहाली के बारे में जानकारी देते हैं। जो भी बहाली आप लोग का आता है उसको आप जो है 2-3 बार चेक कीजिए कि ये सही है या फिर गलत है, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आवेदन कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो आवेदन लिया जा रहा था और ये आप लोग का एक फर्जी बहाली निकाला गया था। आशा करते हैं कि हमने आपको पूरा जानकारी दे दिया है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।